हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक की नई भर्ती जो कि यहाँ पर निकल के आ रखी है। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ रखी है, कौन कौन सब्जेक्ट में है, तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपका निकल के आ रखा है फैज़ ए आम इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान जसपुर उधम सिंह नगर, यहाँ पर निकल के आ रखी है। यूएस नगर में आवश्यकता है, यहाँ पर जो है रिक्त पदों की वैकेंसी निकाली गई जिसमें अशासकीय स्कूल की वैकेंसीज है। इसमें एलटी की पोस्ट निकाली गई, उर्दू शिक्षक की निकाली गई है एक पोस्ट है। इसके लिए आपको यहाँ पर बीएड होना चाहिए और उर्दू में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपके यहाँ पर इसी स्कूल में कलर की पोस्ट निकाली गई है एक पोस्ट है। 21,000 सैलरी आपको मिलेगी और एलटी में आपको जो मिलता है 54,900 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और इंटरमीडिएट पोस्ट रहेगी इसमें ब्लू कलर की रहेंगी, हिंदी और अंग्रेजी में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। और इसकी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आप भर सकते हैं। 300 रुपये का चालान आपका लगेगा जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये कॉलेज आपका जसपुर के नाम पर आपको यहाँ पर दे होगा प्रबंधक का जो ड्राफ्ट है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं इसका 21 दिन 21 डे आप ऐड कर लीजिएगा, लास्ट डेट आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। कल ही इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो यहाँ पर 21 दिन आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लास्ट डेट पता चल जाएगा इन पदों के लिए। साथ ही यहाँ पर देखिए जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककोड़ा खाल रुद्रप्रयाग में भी वैकेंसी निकाली गई है 15/7/2022 को। इसमें हिंदी की पोस्ट है, संस्कृत की पोस्ट है, और ये इसमें भी आप जो है जो भी इच्छुक अभ्यर्थी महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। ये भी आपके शासकीय स्कूल में निकल के आ रखी है। वेतन ग्रेड सेलेक्शन प्रोसेस वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से आपको यहाँ पर फॉर्म मिलेगा।